लेकिन कहते हैं तकिया नहीं है, चटाई नहीं है, गद्दा नहीं है, रजाई नहीं है, हसीनों से कह दो उधर जाके बैठे, ये अंबर का दिल चारपाई नहीं है। अब हकीमुद्दीन भाई क्या कहते हैं अपने फुर्सी दनवर भाई से, कहते हैं कभी इश्क हुआ मुझको कोई सेंस नहीं है, तारीख के लिए कोई भी टेंस नहीं है, आंखों से चलाती हूँ मेरे दिल पे गोलियां, क्या नजरों के तमंचों का लाइसेंस नहीं है। अब यहां मजा लीजिए, टकरा गया एक बूढ़ा हसीना के जिस्म से, बोला कि माफ करिए दोनों लेंस नहीं है, पिट जाए अगर आशिक महबूब की गली में, जाने को अस्पताल एम्बुलेंस नहीं है, मैंने पुराने प्रेमिका को इसलिए छोड़ा कि पहले के जैसा जेब में बैलेंस नहीं है। आप चापलूसियां ऐसे बन गई कि दिल में सजा के प्यार का गमला चली गई। नया नया सुनिए, पुराना तो यूट्यूब में बहुत सुनते रहते हैं, थोड़ा नया हो जाएगा तो अच्छा रहेगा, नहीं तो ये दिल कहां सच्चा रहेगा। ऐसे भी प्यार मोहब्बत के लोग हैं और बहुत ही मोहब्बतों से सुन रहे हैं। ऊंचे पर्वत की जो चोटियां मिल गई, ऊंचे पर्वत की जो चोटियां मिल गई, बूढ़े हाथों को जब सोटियां मिल गई, मुझको ऐसा लगा सारा जग मिल गया, माँ के हाथों की जब रोटियां मिल गई, मुझको ऐसा लगा। और हमारे बीच में काफी लोग दिखाई दे रहे हैं, बूढ़े अधिक दिखाई दे रहे हैं, लेकिन बूढ़े को बूढ़ा नहीं समझते, क्योंकि आदमी दिल से कभी बूढ़ा नहीं होता, सोना जमीन पे गिर जाए तो पूरा नहीं होता, भले ही मोटे बत्तीसों दांत उखड़ जाके अंदर पूछने के लिए मसूढ़ा नहीं होता। रोमियो नाम मेरा, चोरी है दाम मेरा, रोमियो हर विभाग में, रोमियो नाम बनाया कुछ नहीं हूँ, बना रहा। रोमियो नाम मेरा, चोरी है काम मेरा, मैं ईटा चुराऊं, मैं बालू चुराऊं, मैं सीमेंट चुराऊं, मैं सरिया चुराऊं, मैं बिजली चुराऊं, मैं पानी चुराऊं, मैं कटिया फंसा करके हीटर जलाऊं, क्योंकि रोमियो नाम मेरा, चोरी है काम मेरा, मैं राशन चुराऊं, मैं गल्ला चुराऊं, मैं चावल चुराऊं, मैं गेहूं चुराऊं, जो गाय दुकान पे मार के भगाऊं, क्योंकि ठेकेदार है नाम मेरा, चोरी है काम मेरा। और राशन कार्ड जमा कर दीजिए, राशन कार्ड जमा कर दीजिए, बहुत खा पी चुके हैं, समझे आप, राशन कार्ड बंद, आपका शौचालय भी बंद, न आप खाएंगे न कहीं जाएंगे, इसी हिंदुस्तान में रहेंगे, चार पंक्तियां आपको हंसने हंसाने के लिए कहेंगे। ये खुर्शीद अनवर की महफिल ही नहीं है, ये आपके दोस्तों की सजाई हुई महफिल है। अब आपके दोस्तों में जिनका नाम शुमार होता है वो भाई बामिक रियाज भाई, आमिस लाला भाई, उमैर भाई, सलमान मुशीर भाई, सारिक भाई, मोहम्मद शहजादे भाई और उनके दोस्त बैठे हैं, सलाम करते हैं। और हर एक नाम और लेते हैं, वो एक धर्मेंद्र यादव जी, भाई धर्मेंद्र यादव जी सबको गुलपोशी भी कर रहे हैं और सबको बैच भी लगा रहे हैं, कि वकीलों की जो हालत बताने लगेंगे समझने में सबको जमाने लगे, वकीलों की जो हालत बताने लगेंगे समझने में सबको जमाने लगेंगे। अब अमानत जरा सी अगर इनको दे दो जमानत, ये फौरन कराने लगेंगे। ऐसे ही अखिलेश बेटे भी एडवोकेट है, वकील वकील होता है, बहुत अच्छा। आप इसी तरह माला पहनाने का अर्थ ये नहीं होता है कि आपका बहुत सम्मान है, माला पहनाने का अर्थ होता है कि बंद करके बहुत हो गया। लेकिन आपकी जो मोहब्बतें मिली, आपने ऐसा लिबास पहना है, ऐसी लग रहा है जैसे आप बहन जी के आदमी हैं। लेकिन कोई बात नहीं, सपा वालों ने कहा हमको साइकिल पे बटन दबा के विजयी बनाओ, कांग्रेस ने कहा हमको पंजे पे बटन दबा के विजयी बनाओ, आप पार्टी ने कहा हमको झाड़ू पे बटन दबा के विजयी बनाओ, बसपा वालों ने कहा हमको हाथी पे बटन दबा के विजयी बनाओ, भाजपा वालों ने कहा आप लोग कोई भी बटन दबा दो हम लोग विजयी हो जाएंगे, ऐसा कुछ कर ही डाला है।
रामबर भाई ने क्या कहा कि मेरे बारे में सोचा बिचारा करो, आप कहते हो इनको न मारा करो, खेत आकर मेरा सारा चर जाते हैं, अपने साओ को बाबा सहारा करो। और कह दिया चार पंक्तियां, अब तो सार भी देशभक्त हो गए। ये कहा किसने कि हम सुधर जाएंगे, होगा चारा जिधर हम उधर जाएंगे। अब आपकी बारिश में बाबा है सीएम बने, दुश्मनों के सभी खेत चल जाएंगे। और चार पंक्तियां और सुन लीजिए, बहुत बढ़िया सुन रहे हैं, बड़े मन से सुन रहे हैं कि ऊपर गोरी का मकान है हर। ये कोई कविता नहीं है, कहानी भी नहीं है, न कोई गजल है, न शेर है, बस सुनाने भर की देर है। क्योंकि तेरे खातिर लाऊंगा 10 किलो दशहरिया, मेरे लबों पे हरदम होगा ये गोरी तेरा नाम, मेरे महबूब तुझे चला, मेरे महबूब तुम्हें चला, मेरे महबूब तुम्हें चला, जब से मुझसे जुदा हुई मैं हो गया झंडूबा, मेरे महबूब तुम्हें चला, मेरे महबूब तुम्हें चला, तू है मेरी राजे माई मैं तेरा आसरा, तू महबूब तुझे चला, मेरे महबूब तुझे चला, मेरे महबूब तुझे चला, सब धर्मों का आदर करियो हिंदू हो या इस्लाम, मेरे महबूब तुम्हें चला, मेरे महबूब तुम्हें चला। और ये कोई कविता नहीं, मेरे मन ने कहा कि बना दूं, तो कविता भी नहीं है, कहानी भी नहीं है, और जो कुछ सुना रहा हूं ये पुरानी भी नहीं है। लेकिन कहते हैं आपकी भाभी ने कहा, जब हमने बड़े बड़े बाल लहराए, आपकी भाभी ने भी लहराया, हम कारे बालों को देख के कहा या तो तही रख ले या तो हम ही रख ले, हम कहे कुदरती तौर पे तो तू ही रख ले, बोले बाल कटवा लो, हम कहे जानन तेरे लिए ये व्याप बाल क्या है, गर्दन कटवा लूंगा, वो बोली बाल कटवा लो, गर्दन वक्त आएगा तो मैं कटवा लूंगी, बहुत लोग घूम रहे हैं काटने के लिए। तब चार पंक्तियां यहाँ से होती है, आपकी भाभी सज गई है, मेला घूमने जा रही है, हम नहीं जा रहे हैं, चार पंक्तियां विरोध में बनी है। कैसे बनी है बोकल भाई, बैठे हैं सुनते रहिए, आज आपने कपड़ा बहुत बढ़िया पहना है, आप इसी तरह पहनते ओढ़ते रहिए, ये तो बहुत प्यार मोहब्बत है, गर्मी का पहले लगती है फिर लब से लबड़ा हो गए, इतनी गर्मी पड़ी भाई एकदम चित का बड़ा हो गए, गर्मी बहुत पड़ रही है, आप लोग हमेशा, और गर्मी का तो ये हाल है सर, गर्मी का ये हाल है कि दिल में सजा के प्यार का गमला चली गई, आंखों से अपने करके वो हमला चली गई, दो रोज से मेरे गांव से बिजली ये क्या गई, वो हमको छोड़ करके शिमला चली गई, वो कैसा गर्मी लग रही थी, वो हमको छोड़ करके शिमला चली गई। तब कैसे है मंजर आप देख लीजिए, बड़ा कुछ नहीं है, बनाने की कोशिश में हूँ, क्योंकि आपका बहुत मोहब्बत है, बहुत दुआएं, और यहाँ तमाम लोग उपस्थित हैं, सभी धर्मों के लोग हैं, सभी वर्गों के लोग हैं, ये हिंदुस्तान का कुल हिंद मुशायरा, ये कौमी एकता और भाईचारे को बढ़ोतरी करते हुए ये खुर्शीद अनवर भाई का ये बाकमाल है कि जो इतने मुद्दतों से इतने सालों से ये इस मुशायरे को रंग दे रहे हैं, क्योंकि प्यार होता है जहाँ जंग नहीं होता है, ये खुर्शीद अनवर भाई का संदेश है कि प्यार होता है जहाँ जंग नहीं होता है, हादसा भी किसी के संग नहीं होता है, आइए प्यार के रंगों में रंग ले सबको, प्यार से गाढ़ा कोई रंग नहीं होता है, प्यार से गाढ़ा कोई रंग नहीं होता है। चार पंक्तियां तो ऐसे भी बनाने को मन कर दिया, जब कुछ दाढ़ी वाले कुछ टोपी वाले दिखाई देते हैं तो मन अकीदत से भर जाता है। तांबर भाई ने चार पंक्तियां ऐसे बनाई कि उनसे मिलने को शमसो कमर आएंगे, उनसे मिलने को शमसो कमर आएंगे, ऊंट पर बैठकर जब उमर आएंगे, नाम होगा लबों के नबी का, अगर जख्म गहरे भी होंगे तो भर जाएंगे, जख्म गहरे भी होंगे तो भर जाएंगे,
आपने बहुत बढ़िया से सुना। इसी तरह आप हमारे हमारी हिफाजत करते रहे, बीच बीच में अच्छी लाइनें भी देते रहे, तो आप उस पर साइन भी करते रहे, क्योंकि माँ और बाप का माँ और बाप को माई बाप का प्यार भुलाया है किसने? बना रहा बना नहीं, माँ और बाप का प्यार भुलाया है किसने? रिश्तों में ये दाग लगाया है किसने? दुनिया पूछ रही है उन बेटों से, आंगन में दीवार उठाया है किसने? आंगन में दीवार उठाया है किसने? तो ऐसे पंक्तियां बन गई है, तुम जैसा कोई साथी आपकी भाभी ने कहा हमारे लिए नहीं बनाया, मैं चार पंक्तियां बनाया। तुम जैसा कोई साथी तकदीर से मिलता है, रांझे को मोहब्बत तुझे किसी हीर से मिलता है, जुल्फों में घटाए नदियों से अदाए है, बीबी का मेरे चेहरा कश्मीर से मिलता है। और जब चेहरा मिल गया तो मेला देखने जा रही है, हम नहीं जा रहे हैं। मैंने चार पंक्तियां कही आपको हंसाने के लिए कि ये ठेले पर सजा सबसे केला कौन देखेगा, हमारे बिन तुम्हें बोलो अकेला कौन देखेगा, तो इतना तक सवर क्यों लेने जाओगे तुम जानो, तुम्हें मेले में सब देखेगे मेला कौन देखेगा। ऊपर गोरी का मकान है हरे, ऊपर गोरी का मकान, नीचे फूलों की दुकान, मुझसे मिले मेरी जान, मेरा बढ़ जाए सम्मान, तेरा हो जाए एहसान, तेरे बाबू है प्रधान, तेरे भैया है दीवान है हरे। ऐसे मैं कैसे प्यार करूंगा, वही आना पुलिया के नीचे तेरा इंतजार करूंगा, मैंने दिल ये तुम्हीं को दिया है और नंबर बगल से लिया है, मैंने दिल ये तुम्हीं को दिया है और नंबर बगल से लिया है, अरे सात समुंदर पार मैं तेरे